40 चोर? हाँ 40 चोर। उन्होंने बच्चों का इलाज नहीं किया बल्कि बच्चों को शैतान में तब्दील किया। क्या? और अब उसी जादू से बच्चों को गायब कर रहा है। अब इसका मतलब बाकी बच्चों की तरह अलीफे और इमाद को भी उसी ने गायब किया होगा। न जाने किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। हमें इस कैद खाने से निकालिए बाबा, कहाँ हो आप? ये जंग अब तक सिर्फ मेरे और 40 चोरों के बीच थी लेकिन अब बात मेरे बच्चों की है। और पूरा परवास जानता है कि अली बाबा अपने बच्चों पर राज नहीं आने देता। आप दोनों बिल्कुल मत घबराइए, इमाद और अलीफी बिल्कुल ठीक है, हम ढूंढेंगे उन्हें। ये वादा है हमारा आपसे। चलो ये हमारी आवाम है और हमें जल्द से जल्द इनकी हिफाजत के लिए काबुल को वापस हासिल करना होगा। उन 40 चोरों से भी बड़ा गुनहगार है सद्दाम, जिसने उन चोरों के साथ मिलकर पूरे काबुल को खतरे में डाल दिया है। कसम है मुझे मेरे बच्चों की, अगर मेरे बच्चों पे खरोच भी आई ना, उन 40 चोरों का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा मैं। हम तेरे साथ हैं अली। हाँ जानता हूं कि तू 40 चोरों में से एक है। और तूने ही बच्चों को शैतान बनाया है। अगर हिम्मत है तो सामने और अपना मंसूबा बता, मैं तेरा कतई सलाम में इंतजार कर रहा हूं। जादूगर, मैं जानता हूं कि ये तू है और तूने मुझको नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। कांटा तो डाल दिया है, मछली भी जरूर फंसेगी। मैं जानता हूं तू आएगा। हमारे लोगों को तो ये भी नहीं पता चलेगा कि हम यहाँ पे कैद हैं। हमारी आवाज पे बाहर नहीं पहुंचेगी, क्या करेंगे इमाम? अगर इस हाथ से किसी भी चीज पर ऐसे थपथपाते हो तो ये आवाज किसी से मदद मांगने का पैगाम बन सकती है। हमारी आवाज बाहर नहीं जा रही है तो क्या हुआ? लेकिन हम फिर भी लोगों को बता सकते हैं कि हम यहाँ कैद हैं। कैसे? अगर हम इस पर खटखटाते हैं तो इसमें झंझनाहट होगी और ये झंझनाहट बाहर तक जाएगी, फिर बाहर लोगों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्या है। आओ सुनो। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये काम करेगा? लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, हमें कोशिश तो करनी होगी। क्या हो गया नफी? मैं अलीफी और इमाद के बारे में कुछ पता करने के लिए हमाम में गया था। सोचा था कि वहाँ शायद लोगों की आवाज़ सुनकर उनके बारे में कुछ पता चल जाएगा। तो कुछ पता चला? नहीं, वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे थोड़ी बहुत आवाज़ आ भी रही थी, वो आते आते धीमे हो जा रही थी। पर वो आवाज ठीक कैसी? कुछ खटखटाने की आवाज़।
ये आवाज तो हमने पहले भी सुनी है, लेकिन कहाँ सुनी है हमने ये आवाज। चल एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है चल। लीजिए रहबर, शाही कबाब। शाही कबाब। क्या बात है पैसा, आज अब्बू का निकाह है क्या? कमबख्तों हमें ये खातिरदारी नहीं चाहिए, हमें बस इतना बता दो कि मुजादूगर लड़का कहाँ है। आप फिक्र ना करें रहबर, मैंने अपने आदमियों को चारों तरफ भेज दिया है, वो हमें जरूर मिल जाएगा। ये बात ना जाने तुम हमें कब से बता रहे हो भैसार। तुम समझ नहीं रहे हो, अगर मरियम हमें नहीं मिली, मुजादूगर लड़का नहीं मिला, तो सिमसिम जी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये आखिरी मौका हम गवा नहीं सकते, आज हमें सद्दाम को मारना ही होगा। जनाब आपने सुना? क्या सुना? परवाज में लोगों के बच्चे गायब हो रहे हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है, परवाज में तो हर रोज बच्चे गायब होते रहते हैं। बाहर निकलकर देखो तो बच्चे भीख मांगते हुए नजर आएंगे कतारों में। नहीं जनाब, परवाज में कुछ अजीब हो रहा है, लोग बच्चों को लेकर भाग नहीं रहे बल्कि वो रेत की तरह फिसल रहे हैं। रेत की तरह गायब हो रहे। अभी ये क्या नई बला है, इधर बच्चे रेत की तरह गायब हो रहे हैं, उधर हमें मरियम नहीं मिल रही, ना ही वो जादूगर लड़का। ये क्या मनुष्य अच्छाई हुई है परवास में बेजार। अरे कुछ करो के कम वक्त। जी रहबर। जनाब आप फिक्र ना करें, हम आपकी मनोरंजन का अभी इंतजाम करते हैं। मनोरंजन? जी करो करो। अभी आता। मैं सब लोगों के बीच में सद्दाम को तड़पा तड़पा के मारने का यही एक तरीका है। रुको, तू वही है ना जिसने मुझे कमरे में बंद किया था? क्यों किया था? ये तो सबकी तलाशी ले रहे हैं, हम इनसे बच नहीं पाएंगे। उस दिन याजूद ने भी हमें देख लिया था। वापस खिदमतगार बनकर नहीं जा सकते, हमें फिर से बेस बदलना होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, रहबर कब से इंतजार कर रहे हैं? उनके मनोरंजन में देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी आओ। जनाब आप मनोरंजन का लुत्फ उठाइए, तब तक मैं इस जगह का मुआयना करके आता हूँ। आज इस जाल में कैद कर तेरा सारा सच खुलवाऊंगा। बहुत बेवकूफ बना लिया तूने शिफाजाना की बनकर। Thank you.
इससे पहले किसी की नजर पड़े हमारी जहर की शीशी पर, हमें कैसे भी करके उसे वापस हासिल करना होगा। मीरवास ने पैगाम भेजा था कि उसे लेने के लिए परवाज आ जाए, लेकिन हमारे आदमी जब वहां पहुंचे तो वहां मीरवास की लाश मिली। हकीम मीरवास का कत्ल हो गया, दारागाजी को खबर करनी होगी, चलो जल्दी करो। लाश? हाँ, उसके पास हमारे निशान वाला सिक्का भी नहीं था, मतलब साफ है परवाज में उसकी मुलाकात शहजादी से हुई होगी और उसने वो सिक्का शहजादी को दिया। मीरवाज की मौत इस बात का सबूत है कि शहजादी पर कोई बाहरी मुसीबत आई है, हमें फौरन उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। ये वही जगह है जहां जादूगर ने मुझे बुलाया था। कहाँ छुपा है जादूगर? मुझसे मिलना था ना तूने, ले आ गया मैं। कायर मत बन, सामने आ मेरे। बता तूने बच्चे कहां छुपाए? आज इस ख्वाब को हकीकत में बदल के रहूंगा। आखिर आज हम आपको तड़प तड़प कर मरता हुआ देखेंगे सत्ताम, बहुत तरसे हम इस दिन के लिए। मैं लिफी और इमाद के बारे में कुछ पता करने के लिए हमाम में गया था। कुछ पता चला? मुझे थोड़ी बहुत आवाज आ भी रही थी, वो आते आते धीमे हो जा रही थी। पर वो आवाज ठीक कैसे? अगर इस हाथ से किसी भी चीज पर ऐसे थपथपाते हो तो ये आवाज किसी से मदद मांगने का पैगाम बन सकती है।
उसी आवाज तो नफी ने भी सुनी थी। इसका मतलब इमाद और अलीफी उन गायब बच्चों के साथ है और इस आवाज से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फौरन इमाद की मदद के लिए जाना होगा। इतनी हिम्मत फैजा, क्या हमारे हाथों से हमारा जाम गिरा दो। ड्राइवर, अगर ये जाम मैं ना गिराता तो आप गिर जाते, वो देखिए। किसी ने ड्राइवर के जाम में जहर मिलाया है। ड्राइवर, अब आपका यहां रहना मुनासिब नहीं है। कोई तो सुनो, मदद करो हमारी। परवास में चलो। मैं तो एक चोर का इंतजार कर रहा था, ये तो 140 आ गए। वो रहा वो जादूगर। आज का दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लगता है उन्होंने मुझे देख लिया है। मैं एक साथ इन सबका मुकाबला कैसे करूंगा? मुझे चालाकी से काम लेना होगा।